अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथराएं और कितने शकुनी करते हैं। 28 तारीख की दोपहर को मेरे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सदन में प्रधानमंत्री पद से अपने त्याग पत्र की घोषणा की थी। हिंदुस्तान में उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई, हिंदुस्तान में उस दिन स्वराज्य की नींव पड़ गई। दोस्तों, आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तीसरी पुण्यतिथि है। यूं तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में रहते हुए विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्रवासी भारतीयों को संकट के समय उन्हें मदद पहुंचाने में जो सहानुभूति और मानवीय दृष्टिकोण का अनुपम उदाहरण पेश किया था, वो जैसे आज के राजनेताओं के लिए एक अनुपम उदाहरण बन गया है। 14 फरवरी 1952 को जन्मी सुषमा स्वराज के माता पिता पाकिस्तान के लाहौर में धर्मपुरा नामक स्थान से थे, लेकिन बंटवारे के बाद वे अपने परिवार के साथ भारत आ गए थे। सुषमा ने वकालत की पढ़ाई की थी, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में वकील भी रहीं। सुषमा स्वराज का विवाह स्वराज कौशल से हुआ था, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता थे। उन्होंने 1990 से 1993 तक मिजोरम के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। कौशल 1998 से 2004 तक संसद सदस्य भी रहे। स्वराज को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वैसे तो सुषमा जी बीजेपी के तेज तर्रार और कद्दावर नेताओं में सबसे अलहदा और ऊंचा स्थान रखती थीं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अधिवक्ता रही सुषमा स्वराज नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में भारत की विदेश मंत्री भी रह चुकी थीं। इसके साथ ही उन्होंने 7 बार संसद सदस्य के रूप में और 3 बार विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने 13 अक्टूबर 1998 से दिल्ली के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया था। उन्हें ही दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। वहीं वे विभिन्न क्षमताओं में कई सामाजिक और सांस्कृतिक निकायों से भी रही थीं, लेकिन फिर अपने सफल राजनीतिक कैरियर के बीच खराब स्वास्थ्य के चलते उन्होंने साल 2019 के चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, सुषमा स्वराज कभी भी अपने गृह क्षेत्र में लोकसभा चुनाव नहीं जीती। यूं तो वो अपने घर से 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ी और 3 बार ही उन्हें शिकस्त मिली, वो भी एक ही नेता चिरंजी लाल से। सुषमा स्वराज का राजनीतिक जीवन 1970 के उत्तरार्ध दशक में ABVP के साथ शुरू हुआ था। सुषमा स्वराज ने प्रेम विवाह किया था, वो भी उस जमाने में जब लड़कियों को पर्दे में ही रखा जाता था। खुद सुषमा स्वराज के माँ बाप भी इनकी इस शादी के लिए राजी नहीं थे। सुषमा स्वराज का विवाह 13 जुलाई 1975 को हुआ था। सुषमा स्वराज अपने 25 साल की अल्पायु में ही हरियाणा की कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी थी। उनकी एक बेटी है बांसुरी, जो भी पेशे से वकील है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज देश की उन चुनिंदा मंत्रियों में से थीं, जिनकी पहचान उनकी पार्टी से नहीं बल्कि उनके काम और राजनीतिक कामों के जरिए भी होती थी। सुषमा स्वराज ने अपने अंतिम समय तक उन्होंने अपने कामों से देश की राजनीति और अपनी पार्टी में एक अलग जगह बनाई हुई थी। सुषमा स्वराज ने एक बार फिर आम जनता का नौकरशाही में विश्वास को बहाल किया था और अधिक से अधिक लोगों की मदद करके दुनिया भर में प्रशंसा हासिल की थी। वे हमेशा से ही इसी कोशिश में रहती थीं कि वे दूसरों के लिए उपलब्ध रहें और उनकी मदद में तत्पर रहें। इस देश की प्रिय जननायिका का बीते 6 अगस्त 2019 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, लेकिन वो आज भी हमारे जैसे स्मृति पटल में सजीव हैं और हमेशा की तरह हमें आज भी आलोकित कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव VP न्यूज़ 24।